Hello students, hope you are going very well through the topics I explained in my last videos. Today I explain you some doubtful questions of exercise 6.3 that are sent by a student. Question number 1, question number 3rd, 2 parts of question number 1st, question number 3rd, question number 4th, that is question number 1st, part 5th, ABC triangle given hai, dusri side DEF triangle is given to us, two of its sides are given, one of its angles is given. Angle A is equal to angle F, toh theek hai, toh we have to adjust here. Question number 1, part 5. AB is equal to (2.5), BC is equal to (3), DF is equal to (5), EF is equal to (6), and angle A is equal to 80°, angle F is equal to 80°. Angle A is equal to angle F, तो ठीक है, both are equal to 80° each. Now according to sides देखो, B A given है हमें side 2.5, according to B A, D F is the side. B A upon D F is, B A upon D F is equal to 2.5/5, that is 1/2. अब बी ए और डी एफ क्यों ली हमने, फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल इज गिवन, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी लिया, तो एंगल ए लास्ट पॉइंट ऑफ साइड बी ए, इसी तरह लास्ट पॉइंट ऑफ साइड डी एफ इज 5, एफ इज द पॉइंट, लास्ट पॉइंट ऑफ दिस साइड. अकॉर्डिंग टू इट वी हैव टू एडजस्ट हेयर बी ए अपॉन डी एफ. Now, according to FE side, we have to adjust here AC side. But AC is not given to us and FE is 6. Ab BC ko hum EF base adjust nahi kar sakte, because according to vertical point A, angle is given. According to this point F, angle is given. Starting point of side F, E is F, and starting point of side AC is A. According to angle, तो इसी के according हमें AC is not given but EF is given. So these two triangles are not similar. अब इसका answer check कर सकते हो आप. Question number 1st, part 5th is no. तो इसके अकॉर्डिंग क्या वैल्यू हो जाएगी, दूसरी साइड हमें लेनी ए सी अपॉन ई एफ, इट इज़ नॉट गिवन टू अस बाय 6, सो बी ए अपॉन डी एफ इज नॉट इक्वल टू ए सी अपॉन ई एफ, सो ट्राइंगल बी ए सी इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल डी एफ ई. अब हम यहाँ पे ये नहीं लिख सकते ए बी सी इज इक्वल टू डी ई एफ, डी एफ ई बी ए सी बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी रूल, ये सिमिलर नहीं है. अब लो क्वेश्चन नंबर 1st, पार्ट 6 इज ऑल्सो द प्रॉब्लम. एंगल डी इज इक्वल टू 70, एंगल ई इज इक्वल टू 80, एंगल पी इज इक्वल सॉरी क्यू इज इक्वल टू 80, एंगल आर इज इक्वल टू 30. अब एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, डी 70, ई 80, एफ फाइंड करना है, तो एफ इज इक्वल टू व्हाट, एंगल एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 150, दैट इज 30°. मीन्स डी इज इक्वल टू है अपने पास एंगल आर,
सॉरी डी इज इक्वल टू एंगल आर नहीं, एफ इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ई इज इक्वल टू 80 and 80, एंगल क्यू एंड एंगल डी किसके इक्वल बच जाएगा, अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो थर्ड इज ऑटोमेटिकली इक्वल, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल पी. सो ट्राइंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय विच रूल, एंगल 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 सिमिलैरिटी रूल. यहाँ पे रूल ज़रूर बताना है कि कौन से रूल से है. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज़ द डाउटफुल क्वेश्चन ऑफ अ स्टूडेंट, सो आई एक्सप्लेन इट. हियर क्वेश्चन नंबर थर्ड इज डायगनल ए सी एंड बी डी ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी विद ए बी इज पैरेलल टू सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल्स शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस. ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है, इंटरसेक्ट डायगनल्स ऑफ ए सी एंड बी डी, डायगनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ए बी इज पैरेलल टू डी सी है, दैट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, इसको मान लो 1 and 2, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, इसको मान लो 3 and 4, एंड आगे है यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरियन वी हैव टू प्रूव दिस वन, मतलब इन दो ट्राइंगल्स को हम सिमिलर प्रूव कर लेंगे, तो बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स वी कैन प्रूव दीज साइड्स इन प्रोपोर्शन. तो इट विल बी गिवन डायगनल ए सी से लेके पॉइंट ओ तक, एंड टू प्रूव में आएगा ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ओ बी अपॉन ओ डी, एंड प्रूफ इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, एक ये एंगल भी ले सकते हो एंगल 5 and angle 6, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ऑल्टरनेट एंगल्स, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ऑल्सो ऑल्टरनेट एंगल्स, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. सो ट्राइंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ डी by angle similarity rule. So OA upon OC is equal to OB upon OD by corresponding parts of similar triangles. Now the question number 4th is in figure 6.36 QR upon QS, QR upon QS is equal to QT upon PR, angle 1 is equal to angle 2, show that PQS is similar to TQR. अब यहाँ पे given में क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और 2 प्रूफ में आएगा पी क्यू एस इज सिमिलर टू टी क्यू आर. अब प्रूफ वी आर गिवन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है मीन्स पी आर इज इक्वल टू पी क्यू, सो एंगल 1 की ऑपोजिट साइड है पी आर इज इक्वल टू पी क्यू, इट इज़ गिवन, एंड दिस इज ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स.
अब हमें गिवन है क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। पी आर की जगह पे हम ले सकते हैं पी क्यू। सो क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू बिकॉज पी आर इज इक्वल टू पी क्यू। नाउ वी हैव टू एडजस्ट द ट्राइंगल दैट वी हैव टू प्रूव सिमिलर इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर। पी क्यू एस एंड टी क्यू आर में क्या एडजस्ट करेंगे, क्यू आर अपॉन क्यू एस। क्यू आर इज़ द साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल, क्यू एस इज़ द साइड ऑफ पी क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बिगर ट्राइंगल क्यू टी आर एंड पी क्यू। पी क्यू इज़ द साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल पी क्यू एस। एंड एक है एंगल टी पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू बाय ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी आर क्यू बाय टू साइड्स एंड वन एंगल। साइड एंगल्स साइड सिमिलैरिटी रूल वी हैव प्रूव इट। एंड वन क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 इज द प्रॉब्लम। इन फिगर 6.37 फिगर इज गिवन टू अस। ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी मतलब ये हाफ हाफ ट्राइंगल है, ए बी सी डी लेफ्ट वाला हाफ एंड ए सी डी राइट वाला हाफ। शो दैट ए डी ई ए डी ई स्मॉलर ट्राइंगल इज सिमिलर टू ए बी सी फुल ट्राइंगल। नाउ गिवन ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी लिखा जाएगा। टू प्रूफ आएगा ए डी इज सिमिलर टू ए बी सी। तो प्रूफ में वी हैव टू एडजस्ट हेयर ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। सो ए बी इज इक्वल टू ए सी फुल साइड्स ऑफ ट्राइंगल एंड बाय सी पी सी टी। एंड एक ले सकते हैं ए डी इज इक्वल टू ए ई। ए डी इज द ए ई इज इक्वल टू ए डी ले लो चाहे। ए ई इज द साइड ऑफ लेफ्ट साइड स्मॉलर साइड ऑफ लेफ्ट साइड ट्राइंगल एंड ए डी इज द स्मॉलर साइड ऑफ राइट साइड ट्राइंगल। तो दिस इज ऑल्सो बाय सी पी सी टी। अब ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 1 हो सकता है। दिस ए सी ऑन राइट लेफ्ट 1 के इक्वल होगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 ए डी बाय ए ई। इट कैन ऑल्सो बी 1 लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए ई। अब इनको हम एडजस्ट कर सकते हैं ए बी अपॉन ए डी। ए बी इज़ द बिगर साइड ऑफ लेफ्ट साइड ट्राइंगल अपॉन ए डी इज़ द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ राइट साइड ट्राइंगल इज इक्वल टू, ये ए डी इधर आया तो ए सी लेफ्ट राइट में जाएगा, ए सी अपॉन ए ई। तो ये हो जाएगा ए सी इज़ द बिगर साइड ऑफ राइट साइड ट्राइंगल अपॉन ए ई इज द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ लेफ्ट साइड ट्राइंगल। प्रोपोर्शन में होगी साइड्स। अब लो इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी। ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई। मतलब साइड्स हो गए इनके कॉरस्पॉन्डिंग। दिस इज प्रूव्ड अबव।
एंड वन वी हैव टू एडजस्ट हेयर एंगल ए कॉमन इन बोथ एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल बी ए सी कॉमन एंगल इसके अकॉर्डिंग क्या प्रूव कर सकते हैं हम सो ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी बाय विच रूल साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी रूल दैट वी हैव टू प्रूव्ड हियर क्लियर नाउ एंड सम मोर डाउटफुल क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज आई विल एक्सप्लेन इन माय नेक्स्ट वीडियो थैंक यू